खबर जनपद हापुड़ से है, जहां के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने एक सप्ताह पहले गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट जुग्गी झोपड़ी से अपहृत एक 18 माह के बालक राजकुमार को बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में अपहरणकर्ता, बिचौलिए और बच्चे को खरीदने वाला शामिल है। अपहृत बालक को अपहरणकर्ताओं ने बिचौलिए के माध्यम से जरूरतमंद को 2.5 लाख रुपए में बेचा था, जिस धनराशि को आरोपियों ने आपस में बांट लिया। बताया जा रहा है कि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस अधीक्षक दीपक बुंकर ने बताया कि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के कस्बा काशीपुर के रहने वाले वैभव शर्मा की बहन की 4 बेटियां हैं और बेटा नहीं होने के कारण बहन को बेटे की चाहत थी। वैभव शर्मा ने अपने साले विपिन शर्मा आदि के सहयोग से बेटा प्राप्त करने की योजना बनाई। ब्रजघाट के जुग्गी झोपड़ी में मुरादाबाद के गाँव सुदपुरा का मित्रपाल अपनी पत्नी राखी और 18 माह के बेटे राजकुमार के साथ रह रहा है। दरअसल योजना के मुताबिक जनपद अमरोहा के थाना आदमपुर के गांव करनपुर के रोहताश काका ठेर के अवधेश और ओम दत्त ने 14 अगस्त को 18 माह के राजकुमार बालक का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता ने बिचौलिए के माध्यम से इस बालक को वैभव शर्मा को बेच दिया। अपहृत बच्चे की खोज के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर बच्चे को बरामद कर लिया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, ये दिनांक 14/28 को गढ़मुक्तेश्वर थाना पे सूचना मिली थी कि राखी जो वादिनी है, उनके बच्चा 1.5 साल का, 1 साल 8 महीने का जो बच्चा था वो घर से गायब हो गया। उसमें तुरंत FIR दर्ज करके इसमें 3 टीमें गठित की गई थी। आज पुलिस के द्वारा इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो इनसे पूछताछ 6 अभियुक्तों से जो पूछताछ हुई है, उसमें ये चीज़ संज्ञान में आई है कि जो 3 लोग हैं इसमें, एक रोहतास है जो कि अमरोहा का रहने वाला है, दूसरा अवधेश वो भी अमरोहा का ही है, और तीसरा इसमें ओम दत्त जो कि एक दूसरे के परिचित भी हैं। इन तीनों के द्वारा इस बच्चे को चोरी किया गया था। उसके बाद 2 जो मीडिएटर थे, रिंकू और विपिन, जो कि जनपद संभल के रहने वाले हैं, उनके माध्यम से इन्होंने, एक वैभव शर्मा नाम का व्यक्ति था जो कि काशीपुर थाना कोतवाली, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला है, उसको ये बच्चा इन्होंने 2.5 लाख रुपए में बेचा था। तो ये पूरा जो 6 अभियुक्त हैं पुलिस के द्वारा इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति और है जिसका नाम लवकुश है, उसकी संलिप्तता भी इसमें पाई गई है, तो उसके लिए भी पुलिस के द्वारा टीमें बनाई गई हैं और जल्द हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।